बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेंजीन। बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825। गैसेस प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड 20 इयर्स लेटर इट वाज आल्सो फाउंड इन कोल टार बाय हॉफमैन। 1845 में माइकल फैराडे साहब ने डिस्कवर किया और 20 ईयर्स के बाद 1845 में हॉफमैन ने फ्रॉम कोलकाता। फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। फर्स्ट ईयर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंबस्शन एनालिसिस, जिसमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फाइंड करते थे। उसी मेथड से उसे एलिमेंटल एनालिसिस भी बोले जा सकता है। हम ये पता चलाते हैं कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। इट्स मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन्ड बाय वेपर डेंसिटी मेथड। एक वेपर के बुखारात के डेंसिटी मेथड से इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 78.108। This is 6 times the empirical formula mass CH12 plus 113. Therefore, the molecular formula of benzene is C6H6. ये पहले स्टेप से पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एम्पिरिकल फार्मूला सी एच है, और दूसरे से पता चला इसका मैस है 78। CH का मास बनता है 13, अगर 78 को 13 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 6। तो जब मल्टीप्लाई हुआ ये 6 C6H6 बन गया। थर्ड, द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इंडिकेट दैट इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि जब हम बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा देयर आर 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाए वी कॉल इट अनसैचुरेटेड। तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, इट इज हाईली अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज रूल्ड आउट। ये पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पेपर में आया है। नंबर 1, देयर आर 3 पॉइंट्स फॉर दिस। टू ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट चेन फार्मूला सजेस्टेड फॉर बेंजीन आर, जो लोगों ने बेंजीन के लिए 2 पॉसिबल फार्मूला बताए अगर ये ओपन चेन होता तो ये एक है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और दूसरा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। एक है 1,5 हेक्साडाइन, दूसरा है 1,5 हेक्साडाइन, दूसरा है 1,5 हेक्साडाइन 3-ion। अब अ कंपाउंड हैविंग अ स्ट्रक्चर एज अबव शुड बिहेव लाइक एन एल्कीन आर एल्काइन। अगर ये मान लिया जाए कि ऊपर वाले दोनों में से कोई एक फार्मूला करेक्ट है तो लाइक एन एल्कीन आर के बोथ आर ऑक्सीडाइज बाय एल्कलाइन के MnO4 सॉल्यूशन। फर्स्ट ईयर के जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो ब्यूरिट में हमने एक बार पिंक कलर सॉल्यूशन लिया था, दैट वाज KMnO4 पर्पल कलर का। तो अल्कीन की या अल्काइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उनमें KMnO4 का सॉल्यूशन डाला जाए तो वो KMnO4 के कलर को डिसअपियर कर देते हैं, लेकिन जब बेंजीन में डाला जाए तो उसका कलर डिसअपियर नहीं होता, जिसका मतलब ये होता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इन ऊपर वाले दोनों में से नहीं बल्कि कोई और है। ऑन कंट्रेरी बेंजीन इज स्टेबल टू KMnO4 सॉल्यूशन, इट डज नॉट डीकलोराइज। KMnO4 बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन व्हिच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स। यानी डीकलोराइज करने का ये मतलब भी ना करने का ये मतलब भी नहीं है कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन ऐड होने का और हैलोजन ऐड होने का सबूत है कि इसमें डबल बॉन्ड तो हैं, लेकिन वो अल्कीन या अल्काइन की तरह ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, कोई और है। देन इज बेंजीन आल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद HNO3 H2SO4 व्हिच इंडिकेट दैट बेंजीन हैज सैचुरेटेड स्ट्रक्चर।
बेंजीन को अगर HNO3 और HSO4 से रिएक्शन करवाया जाए तो ये बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लग जाता है, नाइट्रो बेंजीन बन जाता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा भी जिसमें हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ रहे होंगे। तो कंसिडरिंग अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन एंड फर्दर एज्यूमिंग ईच कार्बन कैरीज वन हाइड्रोजन, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग थ्री मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर बेंजीन को स्ट्रेट चेन समझ लिया जाए या हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाए, बस कार्बन शो करना मकसद था, तो अगर फर्स्ट कार्बन पे एक्स मीन कोई ग्रुप लगा होगा तो इसका वन क्लोरो या वन हेलो बेंजीन होगा, अगर टू नंबर कार्बन पे लगा होगा तो टू क्लोरो बेंजीन कह लें, थ्री पे होगा तो थ्री क्लोरो बेंजीन। अगर आगे फोर पे चला जाए तो उसको फोर नहीं, वो दूसरी साइड पे थ्री हो जाएगा। अगर अगला फाइव जिसको हम समझ रहे हैं उस पे जाएगा तो वो दूसरी साइड से नंबरिंग करते हुए टू हो जाएगा, और अगर छठे नंबर वाले पे जाएगा तो दूसरी साइड से वन कार्बन कहलाएगा। इसका मतलब है कि बेंजीन अगर ओपन चेन समझ लिया जाए बेंजीन का फार्मूला, तो उसमें तीन आइसोमर्स मुमकिन है, बट बेंजीन यील्ड ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन जो असल बेंजीन है वो सिर्फ एक आइसोमर बनाती है जब उसके ऊपर एक ग्रुप लगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, उसका नाम हमेशा वन हेलो या वन क्लोरो बेंजीन। तीसरा, द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन C6H6 डज नॉट करिस्पॉन्ड टू आइदर एल्केन, एल्कीन आर एल्काइन। अगर बेंजीन ओप स्ट्रेट चेन होता तो इसको या तो एल्केन होना चाहिए या अल्कीन या अल्काइन, तो इन तीनों के फार्मूले को ओबे नहीं करता। कैसे नहीं करता? जैसे अल्केन के आगे लिखा भी है कि अगर CnH2n+2 फार्मूला होता तो ये बनता C6H14, 2 × 6 + 2 = 14 बनता है, 14 हाइड्रोजन होने चाहिए थी। लेकिन यहाँ असल में कितने हैं? बेंजीन के पास C6H6 में 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है ये अल्केन नहीं है। सिमिलरली एल्कीन होता तो 12 हाइड्रोजन होते, एल्काइन होता तो 10, इसका मतलब है ना तो ये एल्कीन है ना अल्काइन है ना अल्केन है। इट मीन बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेट चेन इज रूल्ड आउट। ये जो ऊपर हमने तीन सबूत दिए उनकी रोशनी में हम कह सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर खत्म हो गया, रूल्ड आउट। देन इज कैक्यूल स्ट्रक्चर, ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था एज अ शॉट। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटिन्यू टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर केमिस्ट फॉर अबाउट 40 years। देन कैक्यूल हिसाब से उन्होंने एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, 6 कोनों वाली स्ट्रक्चर बना के इस मसले को हल करने की कोशिश की, जिसके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड थे, यानी 3 डबल बॉन्ड थे 3 सिंगल बॉन्ड थे। ये आगे हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। दिस इज बेंजीन अकॉर्डिंग टू कैक्यूल। इसमें हम काउंट करें तो देर आर 1, 2, 3 डबल बॉन्ड्स। उसी बेंजीन को हम इस वे में भी लिख सकते हैं जो सामने हमारे मेंशन भी हुआ है, मीनिंग आर सेम। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन की ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो उसका आंसर कैक्यूल साहब ने क्या दिया? बेंजीन प्लस एक्स। तो किसी एक कोने पे भी एक्स लग जाए, क्योंकि ये क्लोज स्ट्रक्चर है रिंग वाला, लिहाजा इसके उसी कोने को वन कह देंगे तो अब ये वन हेलो या वन क्लोरो कहलाएगा। बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर पहले से एक्स लगा और ऊपर वाई लग जाए तो या तो एक्स के साथ वाई 1, 2 पे आ जाएगा आगे, या 1, 3 पे आ जाएगा या 1, 4 पे, उससे आगे जाएगा तो दूसरी साइड से 1, 3 या 1, 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कैक्यूल साहब ने इस बात को भी सही जस्टिफाई किया कि बेंजीन जब 2 ग्रुप लगे होते हैं उसके ऊपर तो वो 3 आइसोमर्स बनाती है। थर्ड थिंग, बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट मौजूद हो तो बेंजीन में 3 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। जस्ट लाइक दिस, बेंजीन प्लस 3H2 प्लेटिनम इज कैटलिस्ट एट 200 सेंटीग्रेड। तो ये जो सिर्फ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी, अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एंटर होने से डबल बॉन्ड खत्म हो गए।
जिसने रिएक्शन किया वो बेंजीन था, और जो आगे बना वो बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्ड खत्म होने से साइक्लोहेक्सेन आ गया। देन इज एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। एक्सरे स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें जब 6 कार्बन है तो हर कार्बन 2 के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है, जैसे फिगर में मेंशन है, 120 होता है। यही बॉन्ड एंगल अगले कार्बन के दरमियान भी, नेक्स्ट भी, नेक्स्ट भी। एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन हैज एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और हर कार्बन और हाइड्रोजन का, टोटल 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, CH, 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 तो हर बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको याद होगा 10^-10 हुआ करता है। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, दैट इज 1.397 एंगस्ट्रॉम। एक्सरेज प्रोवाइडेड दीज 3 इंफॉर्मेशन, और ये MCQB बोर्ड के पेपर में आ चुकी है। इनमें से कभी तो बॉन्ड एंगल पूछ लिया जाता है, कभी कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, और कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। नाउ इज ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल फार्मूला। कि लोगों ने अब क्या ऑब्जेक्शन, एतराजात ये कैक्यूल फार्मूला पे। कैक्यूल फार्मूला विद 3 डबल बॉन्ड्स डिमांड अ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रॉम बेंजीन। शो ये होना चाहिए कि इसमें बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको ऐसे रिएक्शन देने चाहिए सिर्फ जिसमें जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के होते हैं, व्हाइल यूजुअली इट एग्जिबिट ए सैचुरेटेड कैरेक्टर। ये अल्केन टाइप के सैचुरेशन वाले रिएक्शन भी देता है। दस बेंजीन यील्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट रेडिली एंड फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट रिलेक्टेंटली। यानी होना तो ये चाहिए था ये एडिशन प्रोडक्ट जल्दी देता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन ये तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल की तरह सब्स्टिट्यूशन जल्दी देता है। बेंजीन इज आल्सो अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। अगर इसको हम रखें बॉटल में तो ये खराब नहीं होता, स्टेबल होता है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कैन बी इजीली एक्सप्लेन यूजिंग मॉडर्न थ्योरीज अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। इसके बारे में जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह लें, उसके हवाले से हम इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दैट विल बी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।